तो ये देखिए आप, ये है DPS का पूरा एरिया, काफ़ी खूबसूरत। देखिए डलहौजी पब्लिक स्कूल। ए बंदर हट जा। बिल्कुल तीखे मोड़ होते हैं एकदम पहाड़ी इलाकों में, और हम एकदम डलहौजी के एकदम टॉप में पहुंचने वाले हैं। अब एकदम टॉप इलाका जिसको डैंड कुंड बोलते हैं। सो गुड मॉर्निंग डलहौजी, गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज मैं हूँ फ़िलहाल डलहौजी में, और डलहौजी में यार फ़िलहाल मेरे जीजा जी रहते हैं, तो मैं अपने भांजे से मिलने आ गया था। बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड जर्नी थी ये, तो पता नहीं था मुझे कि मैं डलहौजी भी जाऊँगा, और साथ में फिर अगर डलहौजी के बाद अगर हो सके तो यहाँ से 30-35 किलोमीटर अप्रोक्स में 30 या 31 किलोमीटर दूर यहाँ से चंबा है। तो देखते हैं अगर चंबा की भी वीडियो आएगी तो। बट यार जो ये जर्नी थी मेरी, ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी। पता नहीं था मुझे कि मैं यहाँ डलहौजी भी आऊँगा। सो अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपने रूम में, और मॉर्निंग का सीन है, अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं, और बाहर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पहाड़ों से निकलती हुई सूर्य की किरणें आपके एकदम रूम तक जब आती हैं तो आपकी सीधा तभी नींद खुलती है। और जैसे कि आपको पता है कि मॉर्निंग का जो यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में आपकी जो मॉर्निंग होती है वो होती है चाय के कप के साथ, तो ऐसी मेरी भी जो मॉर्निंग है वो चाय के कप के साथ। जैसी आंखें खुली तो जिया जी मेरे लिए चाय ले आए थे। तो अभी मैं फ़िलहाल तो अपने रूम में हूँ, और उसके बाद जाएंगे बाहर। बाहर का भी मैं आपको पूरा जो वीडियो वगैरह दिखाऊँगा। तब तक फिर मैं आपको एक बार अंदर का भी सीन दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे नेचुरली एकदम वुडन टच आप बोल सकते हो रूम का लुक दे रखा है। और यहाँ पे ये है हमारे प्यारे भांजे, ये देखिए, ये कल रात को मेरे साथ ही सोया था, और अभी भी आज संडे मना रहा है ये। तो यार आप लोगों को जैसे कि पता है मैं अभी जलंधर रहता हूँ, तो जलंधर से ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन अगर आप जलंधर को शाम को भी बैठते हो या रात को भी बैठते हो तो आप टाइम पे पहुंच जाते हो। अप्रॉक्स यहाँ पे 4-5 घंटे का रास्ता ही है, 5 से 6 घंटे का रास्ता है जलंधर से। आप पठानकोट आते हो, पठानकोट के बाद आपको डलहौजी के लिए डायरेक्ट बस भी मिल जाती है। अगर डलहौजी के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप चंबा वाली बस में बैठ जाइए, और उसके बाद यहाँ पर आप ये बानीखेत करके जगह है, यहीं से 8-9 किलोमीटर दूर है, तो बानीखेत में आप रुक सकते हो। तो वहाँ से आपको लोकल जो भी टैक्सीज वगैरह होती हैं वो वहाँ से आप डायरेक्टली आ सकते हो। तो यार वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपको बाहर का भी सीन दिखाना है पूरा प्रॉपर, और वैसे भी काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रही है, तो एकदम एक नई एनर्जी के साथ, एक बूस्टअप के साथ इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यार वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बनाता हूँ और आप लोग उतना शेयर नहीं करते उस वीडियो को। मतलब मुझे ये लगता है कि इसका जो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, जो वर्किंग मैं कर रहा हूँ वीडियो में, तो ये वर्किंग का जो ये हार्ड वर्क का जो रिज़ल्ट है वो कहाँ जा रहा है। आप लोग यार लाइक कीजिए प्लीज़, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँगा। तो यार करते हैं वीडियो को यहीं से स्टार्ट, और बने रहिए आप एंड तक। सो सबसे पहले अगर हम रूम की बात करते हैं तो आप देख सकते हो बिल्कुल वुडन टच एकदम रूम का लुक दिया गया है, एकदम पहाड़ी आप देख सकते हो रूम। इस साइड अगर आप देखोगे तो ये हैं हमारे भांजे जिनसे हम मिलने आए थे, और ये अभी देखो प्यारी सी सुबह की नींद। यहाँ पे नज़ारा ऐसा लग रहा है कि एकदम दिन हो चुकी है, पहाड़ों में बात ही कुछ अलग रहती है, और ये है बाहर का कुछ नज़ारा। अभी ऊपर से भी आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखाऊंगा इस साइड से, अभी आप फ़िलहाल खिड़की से ये नज़ारा देख लीजिए, कितना शानदार व्यू है, बड़ा ही प्यारा व्यू है। और अगर इस साइड मैं आपको दिखाता हूँ तो इस साइड भी वही व्यू है, एक बार अगर आप इधर को देखोगे तो बहुत प्यारा है डलहौजी। अगर आप लोकेलिटी की बात करोगे, अगर यहाँ पे एजुकेशन की बात करें, टूरिस्ट प्लेस की बात करें, तो बहुत ज़्यादा शानदार है। और ये देखिए आप इस साइड, एकदम जैसे पहाड़ी इलाके के जो घर वगैरह होते हैं उस टाइप का इसको डिज़ाइन किया गया है, और बहुत ही ज़्यादा
शानदार। सो अभी हम बाहर निकल चुके हैं और मेरे साथ हैं, साथ में जिया जी और पीछे दीदी लोग आ रहे हैं, साथ में प्रकाश भी आ रहे हैं। और ये है यहाँ की लोकल रोड वगैरह, जो भी है, जो भी सीन रहने वाला है मैं आपको दिखा दूँगा। और यहाँ पे हमारे जिया जी हैं हैवी ड्राइवर और साथ में ये है कार, इसी के थ्रू हम जाएंगे जहाँ भी घूमने का होगा। और पीछे आ रहे हैं प्रकाश और दीदी लोग, तो कम ऑन देखते हैं फिर आगे का रास्ता, दिखाता रहूँगा जो जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे। बने रहिए आप मेरे साथ एंड तक वीडियो में। ये वाली रोड भी वहीं जाते हैं। ये कौन सा, कहाँ जा रहे हैं? ये गांधी चौक। अच्छा, तो दोस्तों अभी मैं हूँ अपने जिया जी के साथ और यहाँ पे जिया जी हैं ड्राइविंग कर रहे हैं और मैं उन्हीं के साथ फ्रंट सीट पे बैठा हूँ। पीछे है प्रकाश, प्रकाश ये देखो, हाय करो, हेलो। हाँ, और इधर पीछे बैठी है दीदी। तो आज हम देखते हैं कहाँ, जिया जी कहाँ का प्लान बना रखा है? पुलानी माता तक। माता तक वहाँ के लिए वैसे बाबू जी ने मना तो कर दिया था, पर फिर भी चलो द्वार बंद कर हम। पुलानी माता थोड़ा सा चढ़ाई होगी वहाँ है, थोड़ा चढ़ाई तीन या चार किलोमीटर है। अच्छा, 3 या 4 किलोमीटर पैदल यात्रा होगा, बट वहाँ के लिए बाबू जी मना कर रहे थे, बोला कि कहाँ जवान को अभी तो चढ़ाई कराने के लिए, पर कोई नहीं, इतना तो कर ही लेंगे हम। तो मैं आपको आगे का सीन दिखाऊंगा, फ्रंट कैमरा कर लेता हूँ, सॉरी बैक कैमरा कर लेता हूँ, और पूरा जितना भी नज़ारा रहेगा आप लोगों के लिए, आप देखते रहिए, काफ़ी मज़े आने वाले हैं आपको इस वीडियो में। अरे बंदर हट जा। तो ये पूरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पे, इसी को माल रोड कहते हैं। यही है यहाँ का माल रोड, अगर आप माल रोड की बात करें डलहौजी का, तो यही है। ये जी मेन मार्केट वो किस साइड लगता है, मतलब जहाँ शॉपिंग वगैरह के लिए? गांधी चौक। गांधी चौक आगे यहाँ से, अभी हम गांधी चौक की तरफ जाएंगे। और नज़ारे इस साइड से देखो यार, खूबसूरत हिमाचल। अभी मेरे पास गिम्बल नहीं है यार, इसलिए थोड़ा मोबाइल हो सकता है थोड़ा सा आपको हिल डुल लगे, बट कोई नहीं। मेन हम आए थे सुभाष चौक से, अब गांधी चौक तक जाएंगे, यहाँ से बस पहुँचने ही वाले हैं। और बीच बीच में आप लोगों के लिए काफ़ी खूबसूरत आप इमारत वगैरह जो बने हुए हैं यहाँ पे आप देखोगे, जो एकदम पहाड़ी उसमें बने हुए हैं लुक में। और ये रहा गांधी चौक, इधर अगर आप देखोगे तो डलहौजी होटल, और यहाँ पे गांधी जी की स्टैचू बनी हुई है, इसलिए इसका नाम है गांधी चौक। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे, अगर आप देखोगे सफाई वगैरह का भी ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे जॉन्स चर्च भी है साथ में ही आपके गांधी चौक के बगल से, खजियार रोड। कितने किलोमीटर था? 2 22 किलोमीटर।
तो अभी हमें खजियार तक जाना है? नहीं, खजियार से पहले। अच्छा, इस रोड से अंदर है ना। अच्छा अच्छा, वहाँ से 12 या 15 किलोमीटर है खजियार। चलो बढ़िया। दोस्तों मैं यहाँ पे सैटरडे नाइट को पहुँच गया था डलहौजी में। उसके बाद फिर संडे मॉर्निंग नाइट को तो घूम नहीं पाया था क्योंकि थक गया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर जीजा जी को साथ में लेके अभी सुबह हम मॉर्निंग बस स्टैंड तक गए थे। जितना भी लोकल का एरिया था वो हमने कवर किया, बट लोकल की मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया। कोशिश करूँगा अगर दोबारा अगर गए तो आ जाएगी वीडियो भी लोकल डलहौजी की। बट एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लोर की है। जैसे कई लोग टूरिस्ट लोग भी अगर यहाँ पर आते हैं तो टूरिस्ट लोगों का क्या होता है कि वो मेन जगह पे जाके वहाँ पे फिर फोटोज़ वगैरह शूट करके और उसके बाद फिर आगे की तरफ निकल जाते हैं। बट एक लोकल को फील करना और एक एक चीज़ घूमना, वहाँ के लोग किस तरीके से किस माहौल में रहते हैं, वहाँ के घर किस तरीके के हैं, घरों के अंदर जहाँ मैं अभी स्टे कर रहा हूँ वो कोई होटल वगैरह नहीं है, मेनली एक घर, मतलब घर भी बोल सकते हो आप उसको, और पूरी तरीके से मतलब किस तरीके से उसको सजा के रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है, और वो सब कुछ फील करना बहुत अलग ही आपको अनुभव देता है। तो अभी हम निकल रहे हैं बिल्कुल वादियों की तरफ। आप देखोगे हर जगह हर तरफ हमारे उत्तराखंड की तरह है, बट ये है कि थोड़ा बहुत उत्तराखंड और हिमाचल में ये फ़र्क है कि यहाँ का जो, अगर आप जंगल वाला फॉरेस्ट वाला एरिया देखोगे तो यहाँ पे पेड़ पौधे आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगा। कौन सा DPS? तो यहाँ पे डलहौजी पब्लिक स्कूल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आपको दिखा देता हूँ ये इस साइड को, ये देखिए बोर्ड वगैरह भी काफ़ी लगे हुए हैं। मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए आप, ये है DPS का पूरा एरिया, काफ़ी खूबसूरत। देखिए डलहौजी पब्लिक स्कूल। सो ये पूरा स्कूल है ऊपर, ये सारा स्कूल है यहाँ का, ये पूरा आप ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर भारत का झंडा भी लगा हुआ है आपने, और एरिया काफी ज्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा किसी मूवी का सीन है ये। आई थिंक यहाँ पे शूटिंग भी हुई होगी है ना। गांधी चौक से जब आप खजियार रोड पर आते हो तो ये पूरा स्कूल का व्यू है। अगर आप इस साइड से देखोगे ये बिल्कुल फ्रंट व्यू है स्कूल का। उसके बाद यहाँ से होते हुए हम आगे की तरफ निकलेंगे। मेन जो आपने कभी आप सीनरी वगैरह में देखते हो, स्कूल का जो व्यू देखते हो सामने से, बस हम वहीं से होते हुए निकल रहे हैं अभी, बीचों बीच स्कूल के। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो काफ़ी बाहर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, दिल्ली वगैरह हो गए, मुंबई से भी बच्चे आते हैं, काफ़ी बाहर के भी, हमारे उत्तराखंड से भी बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं। केवल हिमाचल नहीं, जम्मू वगैरह पंजाब के भी अधिकतर यहाँ पे बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टडी को लेकर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हिमाचल डलहौजी अपने आप में ही फेमस है। ये पूरा स्कूल एरिया है और हाँ संडे का दिन है तो पूरा अभी रोड वगैरह खाली है। ये देखिए आप इस साइड को ग्राउंड, ये रोड, तो ये तो मेरे को ये ग्राउंड ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे वो तारे जमीन पर उसकी शूटिंग हुई होगी। सही में मेरे को भी ऐसे लगता है, ऐसे ही लगता है ये, मतलब ऐसे वहाँ पे बैठने के लिए ऐसा लग रहा है वो पेंटिंग वगैरह किया होगा और उस स्टेज में जाके वहाँ पे फिर वो, ये जो दिलन है ना अपने माँ मदर के नाम बनाया। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा जो टूरिस्ट के लिए भी, यहाँ पे घूमने फिरने के लिए और फोटो शूटिंग वगैरह के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। और इस साइड टूरिस्ट लोग भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ये उनका जो छोटा है। अच्छा, ओके ओके, हाँ नर्सरी से लेके फिफ्थ तक। ये केंद्रीय विद्यालय तिब्बतन का स्कूल है। यहाँ पे तिब्बती विद्यालय डलहौजी यहाँ पे स्टार्ट, ये
ये वाला स्कूल ऊपर की तरफ है। हाँ जी। पीछे बर्फ कहाँ पे? बर्फ। बोल दिया जा गया। तो यहाँ पे डलहौजी का जो भी आपको मेन विजिटिंग प्लेसेस वगैरह हैं ये पूरी वीडियो में कवर हो जाएगा, तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक और देखते हैं उसके बाद फिर हम कहाँ जाते हैं, डेस्टिनेशन हमारा जो भी रहेगा, बट मज़ा बहुत आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा हुआ ये इसका कांच एकदम साफ है तो अच्छा व्यू आ रहा है, वीडियो भी अच्छी बन रही है। यार वीडियो थोड़ा लंबी रहेगी बट आप लोग एडजस्ट कर लेना क्योंकि मैं एक भी सीन मिस नहीं करना चाहता और आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो में, कहीं पे भी आप बोर नहीं होंगे देखने में। वीडियो पॉज करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे, यहाँ से है पूरा हिल टॉप जो यहाँ पे स्कूल आने वाला है, तो एक बार आपको हिल टॉप स्कूल भी दिखा देता हूँ। और यहाँ से जो सामने का जो नज़ारा है यार ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, डलहौजी हिल टॉप स्कूल, ये देखिए आप यहाँ से ऊपर की तरफ अगर आप जाते हो तो ये मेन एंट्रेंस है यहाँ पे। और देखिए आप कितना खूबसूरत ये वादियों के बीच में ये स्कूल बना हुआ है, अपने आप में ही खूबसूरत है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ आगे का सीन, यहाँ पे स्कूल होता है दी एंड, और ये देखिए आप नज़ारे देखिए भाई साहब, ये देखिए नज़ारे, बहुत अलग शानदार सीन है यार। और जिया जी बता रहे थे कि यहाँ पे जब बर्फ़ गिरती है तो नज़ारे कुछ अलग ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं, फिर ये तो पूरा वाइट हो जाता होगा जिया जी, पूरा वाइट हो जाता होगा। बैठे हुए हैं, धीरे धीरे आपको आगे की तरफ, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं एकदम घना ऐसा लग रहा है कि और पहाड़ियाँ। ये कौन सी जगह से निकल रहे हैं? अब ये बारह पत्थर से निकले हम। हाँ। और ऊपर जा रहे हैं हम डैंड कुंड। अभी जस्ट बारह पत्थर से होते हुए अब हम डैनकुंड की तरफ निकल रहे हैं, वहीं से फिर ऊपर की तरफ मंदिर भी होगा तो वहीं के दर्शन करके फिर हम लोग लौटेंगे। होप करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो लाइक वगैरह भी करते रहना। टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, जगह जगह पे यहाँ पे मैगी पॉइंट्स वगैरह भी बने हुए हैं आप लोगों के लिए, अगर आप कहीं पे अगर आपको भूख लग रही है हल्की फुल्की भूख लग रही है तो उसके लिए आप ये मैगी पॉइंट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो। बाकी तो होटल वगैरह यहाँ पर काफ़ी 5 स्टार 4 स्टार भी 4 स्टार होटल यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा आपको, नीचे ही ग्रैंड ग्रैंड हो
होटल बना हुआ है, वो काफ़ी पुराना है। तो सामने का व्यू देखिए, नज़ारा वादियाँ देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है ये एकदम। मैं जो बैठा हुआ हूँ कार में और फिर साथ में बाहर का जो नज़ारा है एकदम ही अपने आप में चार चांद लगा देने वाला। पहाड़ी इलाके हमारे इस साइड भी हैं बट इस तरीके का नहीं है, मतलब जिस तरीके से यहाँ पे आपको बिल्कुल एक घना सा और काफ़ी अच्छा जो व्यू मिलता है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे फाइनली, हमने थोड़ी देर के लिए कार रुका रखी है, थोड़ा सा लेडीज़ प्रॉब्लम आप समझ सकते हो। तो इस साइड को अगर आप देखोगे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और ऐसा लग रहा है कि एकदम मैं वादियों के बीच जो आ चुका हूँ। और अगल बगल से आप जो देखोगे अब लगभग यहाँ से डैन कुंट 2 किलोमीटर भी अप्रॉक्स थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। और इस साइड को मेरे साथ जीजा जी हैं और उनकी जो यहाँ पे कार, तो पूरा रास्ता इन्होंने ही मेरे को बताया कहाँ कहाँ जाना है पूरा, क्योंकि इनको लोकल गाइड एक तरीके से बहुत पहले से रह रहे हैं। जय जी, आपको कितने साल हो गए मतलब यहाँ पे? मेरे को हो गया 14-15 साल। 14-15 साल हो गए मतलब एक तरीके से पूरा, मतलब लोकल हो गया एक तरीके से, सारा सब कुछ बचपन ही यहाँ कट गया आपका। तो एक एक चीज़ पता है, हर जगह जहाँ भी जाते हैं मेरे को बताते रहते हैं यहाँ पे ये है, इधर ये पड़ता है। जो भी कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो गया या कोई स्कूल वगैरह हो गए या कोई भी चीज़ हो गई, जैसे चर्च वगैरह हो गए, मंदिर हो गए, तो सब कुछ पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, कौन सा चौक कहाँ पे पड़ता है। और एक एक लोग भी, यहाँ के लोग भी इनको अच्छे तरीके से जानते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे नज़ारा देखिए, ऊपर भी देखिए, बहुत मतलब खूबसूरत यहाँ पे इमारत वगैरह बन रखे हैं। और हिमाचल अपने आप में इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसीलिए यहाँ के जो टूरिस्ट की जो यहाँ पर आबादी है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंगें, जो यहाँ पे इमारतें आप देखोगे वो बहुत अलग तरीके से यहाँ पे बनाई जाती हैं। तो अब हम निकलते हैं आगे, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, कोई नहीं, प्रकाश को रहने दो, सोने दो उसको। और ये देखिए यहाँ पे ये छोटा बंदर, ये सो चुका है, इसको यहाँ पे आते आते पहुँचने से पहले इसको नींद आ चुकी है। ये देखिए नज़ारे, देखिए भाई साहब क्या क्या नज़ारे हैं। एकदम सेम सड़क हमारे इस साइड गांव में, जो भराड़ीसैंण राजधानी है नई उत्तराखंड की, वैसा बन रखा है और ऊपर भी ऐसी लग रहा है जैसे कि राजधानी बसी हो। हमने ये ऊपर आर्मी कैंप, ऊपर कैंटोनमेंट बन रखा है जो आर्मी का। और इस साइड से अगर आप देखोगे नीचे से होते हुए आए हम लोग घूमते घूमते। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो गाड़ी वगैरह है सारी पार्क हो रखी है, गाड़ी वगैरह यहीं पे पार्क कर देते हैं। आगे वहां तक भी तो कर रखे लोगों ने। सो गाड़ी वगैरह अगर आप देखोगे इस साइड भी लोगों ने काफ़ी पार्क कर रखा है और उस साइड भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने उधर तक गाड़ियाँ पार्क कर रखी हैं। तो अभी आने देते हैं इनको। और देखिए आप लोग, काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं माता के। लैंग्वेजेस वगैरह भी कुछ, हम्म,
किसी का ज्यादातर होगा ना बिना किसी के किसी लोगों ने यहाँ पे पूजा वगैरह रखवाई होगी तो शायद इसलिए यहाँ पे भीड़ वगैरह भी है। और हिमाचल हिमाचल में आपको कहीं भी जाना हो आपको टैक्सी वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ जाना चाहते हो जहाँ भी टूरिस्ट प्लेस होगा आप इजीली यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे बाबा इसको खोलना तो नहीं है ये वाला साइड से। ये मेन एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है, ये मॉल में बड़ी चल यहां पे एयरफोर्स पुलिस भी लगी हुई है और यहां से हम निकलेंगे आगे तो उतरते हैं फिर। सो आ जाओ देख। सो अब हम यहां पे पहुंच चुके हैं और मेन गेट से हम एंट्रेंस करेंगे। घंटी बजाओ घंटी बजाओ।